आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी कल मैंने एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लिया था, आपने बहुत ज्यादा पसंद भी किया उसे, आप जरूर देखिएगा कि चाइना और पाकिस्तान सॉरी भारत की जो सबमरीन स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है। अच्छा, हम ये बात कर ही रहे थे कि चाइना ने पाकिस्तान को एक वॉरशिप दे दिया जो कि इंडियन ओशन में डिप्लॉय होगा। हम बात करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे आ जाए, हमारा ये ऑफिशियल अकाउंट है। तो भाई, चाइना ने मंडे को पाकिस्तान को एक तोहफा दिया है। बहुत ज्यादा तोहफे देते रहता है पाकिस्तान, चाइना की कॉलोनी हो गया है। मैंने एक कल लेक्चर दिया था दोस्तों, उसमें मैप का इशू आ गया, बहुत बढ़िया वो लेक्चर चल रहा था, आई एम रियली सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए, और वो मैंने एडिट कर दिया। वो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि वो एनिमेटेड वीडियो में पहले वॉइस दे देता हूँ, फिर एडिटर एडिट करता है, तो अब उसमें दिक्कत ये हो गई कि मैंने देखा नहीं। जब मुझे पता चला, मैंने फिर उसको तुरंत एडिट किया और उसको वहां से हटा लिया, वो आज ही में अपलोड हो जाएगा, एडिट हो गया। तो चाइना ने मंडे को पाकिस्तान नेवी को एक वॉरशिप गिफ्ट किया है, और यही है कि चीन इसको सबसे ज्यादा एडवांस्ड बोल रहा है, इनफैक्ट पाकिस्तान भी, बहुत खुश है पाकिस्तान। बात यह है कि पाकिस्तान इसको डिप्लॉय क्या कहां करेगा, इंडियन ओशन। पाकिस्तान चाइना के लिए बफर जोन भी है, यहां पे रह के वो सारी जगह देख पाता है, ठीक है, कि अच्छा ये क्या कर रहा है, अच्छा भारत क्या कर रहा है। इसका नाम है टाइप 054A फ्रिगेट। अब ये एग्जांपल है, चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री एड देता है, चाइना पाकिस्तान की सबमरीन डेवलप कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कैसे मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई चाइना और पाकिस्तान ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पाकिस्तान के जो इन्वॉय है चाइना में, मोइनुल हक, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स को, उनको बोला है कि भाई देखो ये फ्रिगेट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पाकिस्तान की नेवी कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा, शांति लेके आएगा। हंस लो थोड़ा सा आप लोग, शांति लेके आएगा रीजन में, ये चीज है। चाइना की जो स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन है उसने ही इस को डिजाइन किया है, इस फ्रिगेट को पूरा डिजाइन किया है और बिल्ड किया है, तो इसका नाम है PNS तुगरिल, और ये वही है कि पहला है टाइप 054 फ्रिगेट। अब इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्बैट मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, मॉडर्न सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज है, तो ये है। अच्छा, आपको बता दो कि ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पे काफी व्लॉग डालता रहता है, और ये हमारी सेल जो है वो शुरू हो गई है, साल की सबसे बड़ी सेल दिवाली सेल, तो आप इसको भी यहाँ पे भी हैं। तो वही है कि आई ऑन इंडिया, भारत वही है कि भारत पे पाकिस्तान जो है वो नजर बनाए हुए है। अब आप समझिए कि PNS तुगरिल जो है, चार टाइप ऑफ 054 फ्रिगेट्स है जो कि पाकिस्तान ने भी बना रही है, और PNS तुगरिल इसमें से पहला है ना, पाकिस्तान ने भी क्या चाइना बना रही है, राइट, चाइना शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो बना रही है, और ये इसमें पहला है। तो अब चाइना ने ये बोला है कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, हमने पाकिस्तान को ये कंप्लीट करके और एकदम टाइम पे दे दिया, तो ये दर्शाता है कि हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स है, ये चीज है। नेवल कॉपरेशन जो दोनों कंट्रीज में है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, अभी हमने F-22P फ्रिगेट मिसाइल भी ली, फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल भी ली, हेलीकॉप्टर्स लिए, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस शिप, ये सब बन रहे हैं, तो चाइना से हम मिलिट्री कॉपरेशन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। GF-17 फाइटर जेट, चाइना पाकिस्तान इसको भी अपग्रेड करेंगे मिलकर। GF-17 जो Block 3 है उसका ऑलरेडी आरंभ हो चुका है, मतलब एक तरीके से चाइना की जो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है, चाहे वो जेट हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाइना उसको अपग्रेड करेगा, ये चीज। तो भारत के लिए क्या दिक्कत है और चाइना के लिए भी क्या हुआ, मतलब ये जो डिलीवरी हुई है चाइना को कैसे हेल्प करने वाला है। चाइना भारत को पूरी तरीके से घेरना चाहता है, और चाइना ये चाहता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया, BRI हो गया, उसी के तरीके से चाइना चाहता है कि वो देशों को जितने अपने कब्जे में ले उतना अच्छा है। पाकिस्तान लेटेस्ट एग्जांपल है, आप समझिए कि ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, हालांकि देखिए पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत की
नेवी कैपेबिलिटी के आसपास भी नहीं है, वो आसपास भी नहीं है। ये जो पहला डिजाइन है ये 2017 में शुरू हुआ था, ये दो 054 AP फ्रिगेट्स जो है 2017 में पाकिस्तान और चीन ने डील साइन की थी, लेकिन 2021 आते आते दो और बोला कि भाई दो और बना दो, तो टोटल चार हो गए। तो पहला जो सबसे बड़ा वॉरशिप है स्टेल्थ है वो डिलीवर हो चुका है, एंटी शिप मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो भैया ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है ये चीन ने पाकिस्तान को दी है। अभी पाकिस्तान के पास चार F-22P जुल्फीकुआर है जो कि इनकेपेबल है मॉडर्न मिसाइल थ्रेट, जैसे भारत के पास तो सबमरीन के साथ साथ नेवल टेक्नोलॉजी बहुत बहुत आगे है, तो भारत के बिल्कुल आसपास भी नहीं है वो। भारत ने अगर एक बार जैसे 1974 में भारत और पाकिस्तान की नेवी साथ में आई थी, युद्ध में साथ में आई थी, मतलब युद्ध किया था, और दो दिन के अंदर अंदर पूरी नेवी को कराची बंदरगाह को धराशायी कर दिया था भारत ने। तो अभी जो इनके पास नेवी है या जो इनके पास वॉरशिप है दे आर इनकेपेबल, मॉडर्न मिसाइल थ्रेट से डील नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनका अपग्रेड हो रहा है। अब ये जो 054A, ये सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट है, बहुत बड़ी बात है, इसमें इंप्रूव ये जो कमीशनिंग हुई है काफी ज्यादा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे। भारत में आपको पता ही है कि हमारे पास है, अगर हम पनडुब्बी की बात करें तो अरिहंत अरिघात, हमारे पास पनडुब्बी है, हमारे पास वॉरशिप्स हैं, लेकिन हमारे प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोग्राम है, जैसे हमारे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का प्रोग्राम है वो डिले हो चुका है, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अभी खाली दो ही हैं, तो वो डिले हो चुका है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हम बनाते तो खुद है, हमको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डिलेज होते रहते हैं, ये चीज है। अगर हम इसको जल्दी कर लें तो मजा आ जाए। एक रिपोर्ट के हिसाब से कि भारत की जो नेवल कैपेबिलिटीज हैं 2030 तक और चाइना की जो नेवल कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा हो जाएंगी, चाइना की दोगुना हो जाएंगी भारत से। तो ये मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप जो है वो पाकिस्तान को डिलीवरी इसकी हो गई है, ये चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस फायर पावर मतलब मिसाइल जो है वो दाग सकते हैं, और भारत पे भी नजर रखी गई है। लेकिन अगेन मैं यही बोलूंगा कि ये चीजें तो होती रहती हैं, लोग खरीदते रहते हैं, कहीं कोई कुछ कोई खरीद रहा है, कहीं कुछ कोई खरीद रहा है। मेन चीज यहाँ पे क्या आती है, मेन चीज यहाँ पे ये आती है कि भारत की नेवल स्ट्रेंथ बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है। भारत को अगर किसी से कम्पीट करना है तो वो चाइना से करना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।